सो हाउ टू स्टे एनर्जेटेड इन स्टडी। भाई ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। जब भी स्टूडेंट पढ़ने बैठते हैं तो 10-20 मिनट बाद बहुत ही थका हुआ मीन्स टायर्ड महसूस करते हैं, और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। और पहले, अभी तो नहीं मगर पहले मैं जब भी पढ़ने बैठता था आधा घंटा से अधिक तो मैं पढ़ ही नहीं पाता था, क्योंकि आधा घंटे से ज़्यादा मेरा माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था। मैं बहुत ही अपने आप को थका हुआ और अनमोटिवेटेड फील करता था। मगर मेरे को कुछ टिप्स और कुछ फैक्ट्स पता चले जिसके कारण मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, और अभी के समय में 4-5 घंटा मतलब मैं प्रोडक्टिवली पढ़ लेता हूँ दिन में पूरे। सो गाइस, मैं आप सबको इस वीडियो में कुछ टिप्स दूंगा, ज़्यादा नहीं है, 5-6 टिप्स हैं, और ये टिप्स बहुत ईजी है, मतलब इसको फॉलो करना इतना ज़्यादा ईजी है कि इसको आपको पता नहीं चलेगा कि आप कुछ एक्स्ट्रा टिप्स फॉलो कर रहे हैं अपने कॉन्सेंट्रेशन और एनर्जेटिक और मोटिवेटेड रहने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो मेरा फर्स्ट टिप है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्प करेगा आपको अपना पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। सो मेरा फर्स्ट टिप्स है कि डू योर टू डू लिस्ट इजी, मींस अपना जो टू डू लिस्ट, हमको पता है सब लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, अगर नहीं बनाते हैं तो सो टू डू लिस्ट बनाइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। बहुत ही इजी वे में बनाएं, मतलब कि अपना जो टू डू लिस्ट है उसको, जैसे सुबह में क्या होता है टू डू लिस्ट जब बनाते हैं लोग तो सबको एक बार मोटिवेशन होता है पूरा अंदर से कि आज मेरे को ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। भाई इतना सब तुम कर पाओगे कि नहीं पर कभी ये भी सोच लेना, मतलब टू डू लिस्ट ऐसा बनाओ जो जो तुम फॉलो कर पाओ। ऐसा नहीं कि भाई आज मैं साइंस का चैप्टर फर्स्ट कर लूँगा, सोशल साइंस का मैं चैप्टर फर्स्ट सेकेंड दोनों कर लूँगा और पता चला कि इसमें से एक भी नहीं हो पाया। सो अपना जो टू डू लिस्ट है बहुत ही ईजी बनाओ जिसको आप फॉलो कर पाओ। इससे क्या होता है आपका जो माइंड है वो फुल मोटिवेटेड होता है। जैसे आपने जो फर्स्ट टू डू लिस्ट कंप्लीट करते हैं तो आप साइड में एक टिक करते हैं, वो टिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जब वहाँ पे आप टिक करते हैं तो आपका माइंड जो है मतलब एक तरह से उसमें भी ब्लू टिक हो जाता है, और आपका माइंड पूरी तरह से मोटिवेटेड हो जाता है कि उसने आज का एक काम उसने भाई पूरा कर लिया। और आप लोग क्या करते हैं लोग कि टू डू लिस्ट को बहुत ही ज्यादा फास्ट और लेंदी बनाते हैं लोग, जिसके कारण से वो फर्स्ट टास्क करने में ही इतना डीमोटिवेटेड हो जाता है जिसके कारण वो पूरा दिन उस बंदे का खराब हो जाता है और वो अच्छा से बाकी का काम नहीं कर पाता है। सो अपना टू डू लिस्ट को एकदम आसान बनाए, इससे क्या होगा कि आप दिन भर मोटिवेटेड रहेंगे, जब आप मोटिवेटेड रहेंगे तो आप फुल एनर्जेटेड रहेंगे। सो मेरा सेकेंड टिप है कि स्टे मोटिवेटेड विथ रोमांटिक सॉन्ग। आप लोग बोलोगे भाई तुमने क्या बोल दिया, मतलब रोमांटिक सॉन्ग, सो कि रोमांटिक सॉन्ग से कौन मोटिवेटेड हो सकता है? तो भाई मैं हो सकता हूँ, मैंने इसको महसूस किया है और ये मेरा पर्सनल टिप्स है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो तो आपको रोमांटिक सॉन्ग से मोटिवेटेड होना है। सो होना कैसे है वो मैं बताता हूँ। जैसे आप लोग जब भी रोमांटिक कोई भी गाना सुनते हैं लोग तो हमको पता है भाई झूठ मत बोलिएगा, आप किसी ना बंदे या बंदी को लेकर मतलब उस सॉन्ग के सॉन्ग में उसको रख के सुनते हैं लोग कि नहीं, मतलब सुनते हैं ना भाई, झूठ नहीं बोलने को। चलो यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करना है, यहाँ पे आपको ये गलती है भैया, इस गलती को नहीं करना है। आपको क्या करना है उस अपने गोल्स को रख के चलना है। फॉर एग्जांपल जो मेरा गोल्स है वो है कि डॉक्टर, मेरे को एक डॉक्टर बनना है। सो आपका भी अगर है गोल या आपका जो भी गोल है उस रोमांटिक सॉन्ग में आप उस डॉक्टर पोजीशन को रख लीजिए, उस पोजीशन पे आप अपने को एक वाइट कोट में खड़ा करके देखिए और उसके बाद सुनिए आप गाना, और पूरे लाइन्स को आप अपने गोल्स के गोल से रिलेट करके समझिए। देन आपको जब गाना ख़त्म होगा तो आपके पास इतना ज़्यादा मोटिवेशन होगा जितना ज़्यादा कोई भी जैसे डॉक्टर विवेक मिंद्रा या संदीप, ये मतलब इन लोगों का वीडियो देखने से जितना मोटिवेशन नहीं आएगा उतना मोटिवेशन ये गाना में किसी अपने गोल्स को रखने से आएगा। सो टिप्स याद रखिएगा, ये स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो गाइज, मेरा जो तीसरा टिप्स है वो है डू योर स्टडी इन ईजी वे, मतलब कि क्या आप जो अपना स्टडी करते हैं उसको आप एकदम ईजी वे में करिए। तो बहुत लोग होते हैं भाई बहुत ही ज़्यादा वो
अपने स्टडी को हार्ड और फास्ट बना देते हैं, जिसके चलते क्या होता है, वो शुरू के 45 मिनट तक तो वो अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन उसके बाद वो अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। सो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है अपना स्टडी को एकदम ईजी वे में और स्मार्ट। और इस पर मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा और इसमें बताऊँगा कि आपने पढ़ाई को आप ईजी कैसे कर सकते हैं। देखो, एक टॉपर जो होता है ना और एक जो लूजर होता है, दोनों मतलब पढ़ाई दोनों करते हैं, और यहाँ तक बहुत ऐसे लूजर होते हैं जो पढ़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब टॉपर से भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो उनका पढ़ने का तरीका होता है ना और टॉपर्स का पढ़ने का तरीका होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। और मैं नेक्स्ट या उसके बाद वाला वीडियो, अगर आप लोगों का डिमांड जैसे है वैसे मैं बना दूंगा वीडियो, और उस वीडियो में आपको क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि एक टॉपर अपने टाइम टेबल और अपने टू डू लिस्ट या वाट एवर अपना जो डे है उसको वो कैसे डिजाइन कर रखता है, और एक जो लूजर होता है वो अपने डे को कैसे अनडिजाइनेबल और अनबिलीवेबल रखता है। सो आप लोग को स्टे रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भाई ये बोलना पड़ता है यार, आप लोग करते नहीं हैं। सो चलिए, फिफ्थ टिप एंड द लास्ट टिप है, इस पर हम एक बार फोकस डालते हैं, ये है कि स्टे मोटिवेटेड बाय योरसेल्फ। भाई यहाँ पे मोटिवेशन आपको कोई भी दे सकता है, आपके जो बड़े भैया हैं, बड़े दीदी है, वाट एवर जो भी, उससे आप मोटिवेशन ले लेते हैं। ओके ना, आप जाएंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे हाउ टू मोटिवेट, आपको 50 लाख मतलब अनकाउंटेबल वीडियोज आ जाएंगे, मोटिवेशन पे आपको अनकाउंटेबल वीडियो आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि वो वीडियोज आप कब तक देखिएगा, आप वो वीडियो कब तक देखिएगा, आपका जो माइंड है बाद में वो भी बोलेगा कि भाई मैं इससे मोटिवेट नहीं हो रहा हूँ, मेरे को कुछ और दिखाओ। सो अपने माइंड को ऐसा मत डेवलप कीजिए कि आप वीडियो किसी और से मोटिवेट होइए। ओके ना, आपको मोटिवेट अपने से होना है, खुद से मोटिवेट होना है। और ये वीडियो बहुत लेंदी जा रहा है, सो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिटेल डिस्कशन करूँगा। और हाँ गाइज, अपने से मोटिवेट रहना है, और नेक्स्ट वीडियो में इस पर एक कम्प्लीट डिस्कशन करूँगा, और आई थिंक नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इस पर ही होगा। सो चलिए, बाय, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, और फ्रेंड सर्कल में अपना शेयर कीजिएगा। ओके।